जिंक सेहत के लिए कितना जरूरी है आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं लोग सेहत से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर भी खास ध्यान देते हैं इस समय जिंक यह शब्द बहुत सुना जाता है पर जिंक सेहत के लिए कितना जरूरी है जिंक हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं में पाया जाता है यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को हमलावर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है शरीर में प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है इसके अलावा गर्भावस्था और बचपन के दौरान शरीर को ठीक से बढ़ने और विकसित करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है अगर आप में जिंक की कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा जिंक की कमी का सीधा असर हमारी हेल्थ पर होता है इसकी कमी के चलते ग्रोथ में परेशानी चोट का धीरे ठीक होना जैसी मुश्किलें सामने आती हैं जिंक हमारे शरीर में मिलने वाला दूसरा सबसे आम मिनरल है यह सभी ऑर्गन और सेल्स को प्रभावित करता है इसकी जरूरत हमें मेटाबॉलिज्म स्वाद और खुशबू का पता करने और खासतौर से ग्रोथ के दौरान पड़ती है कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से ही हम लगातार जिंक के बारे में सुन रहे हैं और इसकी मांग भी तेजी से बढ़ी है इसका उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज में भी हो रहा है पर अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि यह कोरोना के इलाज में कितना कारगर है इसके अलावा साइंटिस्ट का यह मानना है कि जिंक की गोलियां सर्दी जुकाम को करीब 33 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं अगर आप जिंक लेना चाहते हैं तो सर्दी शुरू होने के 24 घंटे में ही ले लें एक गोली को हर दो घंटे में लिया जाए तो इसके फायदे हो सकते हैं वयस्कों को ज्यादा से ज्यादा चालीस मिलीग्राम जिंक रोज लेना चाहिए अगर आप लंबे समय तक ज्यादा ओरल जिंक ले रहे हैं तो इससे कॉपर यानी तांबा की कमी हो सकती है यह मिनरल भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है जिंक लेने के दुष्प्रभाव में उल्टी कम भूख लगना दस्त सिर दर्द और पेट दर्द शामिल है अगर आप बीमार हैं तो थोड़े वक्त यानी के साथ से दस दिन के लिए ज्यादा जिंक ले सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जिंक डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही लें क्योंकि यह ड्रग्स के असर को प्रभावित कर सकती है अगर आप दूसरी दवाइयों के साथ जिंक ले रहे हैं तो हो सकता है कि जिंक उस दवा के साथ कॉम्प्लेक्सेज बना ले और असर को कम कर दे किसी भी सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास न करें और कोई भी दवाई या ऐसी कोई चीज लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और डॉक्टर की सलाह पर ही उसका उपयोग करें फिर चाहे वो ड्रग सेहत के लिए कितनी ही अच्छी क्यों ना हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ऑल वीडियोस पर टैप करें